राजसगंज की सदर रोड में लगभग 3 माह से जल जमाव व गंदगी की परेशानी को झेल रहे दुकानदारों का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा। विरोध में दुकानदारों ने शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर अनुमंडल अस्पताल रोड जाने वाली सड़क मार्ग एवं सदर रोड के मुख्य मार्ग को बांस की बैरिकेडिंग से घेर कर जाम कर दिया। सुबह लगभग 10 बजे से शुरू की गई जाम व प्रदर्शन शाम के 6 बजे तक भी समाप्त नहीं हुआ था। 8 घंटे तक शहर के मुख्य मार्ग सदर रोड को जाम किए जाने से शहर के चारों ओर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। स्वच्छता के नाम पे थूकने पर जुर्माना लगाया जाता हो, उसी देश के इन सड़कों पे नालों का पानी घरों में बहता है। और आप सोच सकते हैं कि हम लोगों को कोरोना तो मारे नहीं मारे, ये गंदगी जरूर मरने के लिए थूकने पर जुर्माना, गंदगी पानी में हम लोग जीने के लिए बाध्य। क्या ये जल जो है सो आज करीब 3 महीना से कंटिन्यू है, नाला का पानी जाम है। सभी पदाधिकारी को जो है सो एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दे दिया गया, दो दो बार दिए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके कारण आज 3 महीना से हमारी दुकान बंद है। इसी तरह से हमारी दुकान खुलवाई जाए और ताकि हम अपना जीवन यापन। ये अपना अनशन कब तक आप लोग की चलेगी? जब तक डिमांड पूरा नहीं हो। इससे पहले कुछ आवेदन दिया हुआ है, 8 दिन पहले दिए हैं नगर परिषद। तो उनका क्या कहना था? होगा, कर रहे हैं, लगे हुए हैं।